सयाल परियोजना में वर्षों से बंद पड़े ओपन कास्ट माइन पुनः हुई चालू, जिसका डीएफओ रामगढ़ और महाप्रबंधक बड़का सयाल ने किया भूमि पूजन। उरीमारी सीसीएल बड़का सयाल परियोजना में वर्षों से बंद 3 नंबर ओपन कास्ट माइन को फिर से चालू किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनी पीएसएस एनर्जी यहां कोयले का उत्पादन करेगी। सोमवार को जिला वन पदाधिकारी वेद प्रकाश कम्बोज और सीसीएल बड़का सयाल महाप्रबंधक अमरेश कुमार सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इससे पूर्व डीएफओ वेद प्रकाश कम्बोज ने सयाल पहुंचे और सीसीएल बड़का सयाल प्रक्षेत्र के अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। यहाँ डीएफओ और महाप्रबंधक ने काली मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। यहाँ से अधिकारी माइंस की साइट पर पहुंचे। महाप्रबंधक ने डीपीओ का अभिनंदन शॉल और श्रीफल देकर किया। साइट पर भी विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। वहीं महाप्रबंधक अमरीश सिंह ने कहा, डिपार्टमेंट के साथ क्षेत्रवासियों का कृपा, जिस कारण बंद पड़ी कोलवरी को पुनः खोलने में सफल हुआ। सभी कृपा दुआ बना रहे तो बहुत जल्द फुरकुंडा बंद परियोजना भी खोला जाएगा, जिसके बाद हिंदगी प्रोजेक्ट जीवन धारा को सयाल में 4 साल के प्रोजेक्ट में 4 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य। जानकारी के अनुसार दिल्ली की आउटसोर्सिंग कंपनी पीएसएस एनर्जी 4 वर्ष के प्रोजेक्ट में प्रति वर्ष लगभग 1 लाख टन यानी 4 लाख टन कोयले का उत्पादन करेगी। खदान में 28 मिलियन टन कोयले का भंडार बताया जाता है। खबर 365 न्यूज के लिए रामगढ़ से मंसूर खान की रिपोर्ट। बहुत ही बहुप्रतीक्षित परियोजना, इसके लिए हम लोग बरसों से लगे हुए थे, आज उसका शुभारंभ हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। इस परियोजना की लाइफ 28 वर्ष की है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार इसका जो कैपेसिटी है 1 मिलियन है। वर्तमान में 4 साल का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए, 72 लाख ओबी और 16 लाख कोयला, जैसा हमारे महाप्रबंधक सर ने बताया कि आने वाले 4 साल में प्रति वर्ष 4 लाख कोयला होगा और 72 लाख ओबी होगा। वर्तमान में तो कम है, लेकिन आने वाले दिनों में वर्ष बीतने पे ये प्रोजेक्ट 1 मिलियन का होगा। 28 वर्ष हम इसकी पूरी लाइफ है, तो निश्चय ही इस परियोजना के खुलने से बड़का सयाल क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी और इस क्षेत्र का जो हमारा लॉस है उसको हम लोग कम करने में सक्षम होंगे। बड़का सयाल क्षेत्र के लिए एक टॉनिक साबित होगी यह परियोजना। अगले 4 वर्षों तक 4 लाख कोयला और 16 लाख ओबी हर साल करेगी। सीसीएल के लिए यह बहुत ही छोटी परियोजना है, लेकिन बड़का सयाल क्षेत्र के लिए इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बड़का सयाल क्षेत्र का अभी स्थिति अच्छी नहीं है। भुरकुंडा भी बंद है और कोई नई खदान कई वर्षों से इस खदान क्षेत्र में नहीं खुल पाई थी। उस परिस्थिति में इस क्षेत्र के में इस खदान के जुड़ने से इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति और लोगों के क्रियाकलाप में भी काफ़ी लाभ मिलेगा।